Always remember that hard work is a choice, attitude is a choice, discipline is a choice, doing extra is a choice, and excellence is also a choice. Everything in life is all about choices, and so to get to the next chapter in your life, you have to make the choice to do so. Remember, there are no shortcuts for success, so you must work for it. And also, the life you have is the life you chose. Hello G, welcome back to Journey Joy Hub by Ibrar. We are back with another vlog. तो बेसिकली ये व्लॉग कम होने वाला है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा होने वाली है। मगर किन लोगों के लिए, किस ऑडियंस के लिए, मैं बताता चलूँ। वो लोग जो अपने कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से अब्रॉड यूरोप में मूव होना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए। वो लोग जो ये जानना चाह रहे हैं कि बाहर यूरोप में, स्पेशली हंगरी में, IT रिलेटेड जॉब्स या ऑफिस रिलेटेड जॉब्स, उनकी कितनी सैलरी है, आप कितने पैसे कमा सकते हैं, उन लोगों के लिए। वो लोग जो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप हंगरी में लेबर जॉब करोगे, यानी कि वोल्ट या फिर टेस्को में या किसी शॉपिंग मॉल में काम करोगे, तो आप कितने पैसे कमा सकते हो, आप पर आवर, पर घंटे के हिसाब से कितने पैसे कमा सकते हो, महीने के हिसाब से आपकी क्या सैलरी हो सकती है। थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो भी होगी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा हर वो पॉइंट ऐड करूँ, शुरू से लेकर चलूँ, ताकि वो लोग जो अभी भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, तो क्या पता उनको भी मेरे वर्ड छू जाएं और वो भी अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए अपना जो है डिसीजन बना ले। और वो लोग जो हंगरी मूव होना चाह रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि हंगरी में लाइफस्टाइल कैसा है, हंगरी में एक्सपेंस क्या है, अकोमोडेशन की प्राइसेस क्या हैं, ऑल इन ऑल इस वीडियो में आपको मिलेगा कि हंगरी में सैलरीज या वेजेस कितनी हैं ऑफिस जॉब्स के लिए, लेबर जॉब के लिए, हंगरी में अकोमोडेशन की प्राइसेस क्या हैं, हंगरी में ग्रॉसरी की प्राइसेस क्या हैं। और एक और बात आपके सामने रियल एग्जांपल, जो कि मैं हूं, मैं अपने आप से आपको बताऊंगा कि मैं एज अ डेवऑप इंजीनियर हंगरी बुडापेस्ट में EPAM सिस्टम्स में, जो कि US की कंपनी है, उसमें काम कर रहा हूँ, तो मेरी अपनी कितनी सैलरी है, कैसे मैंने शुरू से शुरुआत की। तो व्लॉग को पूरा देखना, आप समझ जाएंगे ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बेनिफिट्स इन हंगरी। अगर पसंद आया तो लाइक लाजमी करना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फाइनली हमें हंगरी के इस पार्क में एक अच्छी सी जगह हमने ढूंढ लिया है, जहां बैठ के हम लोग अपनी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। मैं 2018 में पाकिस्तान से हंगरी मूव हुआ, तो अभी 2024 चल रहा है, तो 6 साल हो गया ऑलमोस्ट हंगरी में। और टाइम वाकई बहुत अच्छा गुजरा, इतनी जल्दी से गुजरा कि पता भी नहीं चला कि 6 साल कैसे गुजर गए। मज़े की बात बताता चलूँ कि अगर मैं आपको अपनी कहानी बताऊँ, तो मैं भी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, अचानक से स्कॉलरशिप के बारे में पता चला, अप्लाई किया, स्कॉलरशिप मैंने अवेल कर ली और लकीली दिन गिनते गए, टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, और फिर जब हमारी सिलेक्शन हो गई तो हम लोग हंगरी मूव कर गए। जब हंगरी मूव किए तो शुरू में कुछ पता नहीं था, यहाँ पे करेंसी कैसी है, यहाँ का मुल्क कैसा है, सैलरी कितनी मिलती है, यहाँ पे एक्सपेंस कितना है, घर का जब घर बाय करना है या रेंट पे लेना है तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, ग्रॉसरी की क्या कॉस्ट आएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार, 6 साल का एक्सपीरियंस मेरा हो गया। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे मैसेजेस भी कर रहे थे पर्सनल मेरे डीएम में कि आप हमें बताएं कि हंगरी का लाइफस्टाइल, उसके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, उसका खर्चा क्या है, कोई बंदा कितनी सैलरी बना सकता है, कितनी सेविंग कर सकता है। तो इस व्लॉग को पूरा देखना, आपको A to Z एक रियल लाइफ से ये चीज़ें आज आपको सुनने को मिलेंगी, एक रियल पर्सन से जो हंगरी में रह रहा है, ये सारी चीज़ें फेस कर रहा है। तो आपको आज इस व्लॉग में पता चलेगा कि हंगरी की लाइफस्टाइल, इसका क्या खर्चा है, हंगरी में आप कोई भी जॉब करो तो आप कितने पैसे कमा सकते हो, ऑफिस जॉब हो, वोल्ट की जॉब हो, टेस्को की जॉब हो, किसी भी तरह की जॉब हो, उससे कितने पैसे कमा सकते हो। तो चलो थोड़ा सा हंगरी को समझते हैं। मैं अपनी कहानी लेके चलता हूँ अपनी, जब मैं हंगरी में मूव हुआ था तो मेरे कैसे तासुरात थे, मेरा कैसा इंप्रेशन था हंगरी को लेके, वहाँ से शुरू करते हैं, ताकि आपको हर एक छोटी से छोटी डिटेल बताऊँगा, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बताऊँगा जो आपको जाननी चाहिए हंगरी के बारे में, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। तो 2018 में मैं पाकिस्तान से हंगरी मूव हुआ, पता नहीं था यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ लाइफ सिखाएगी, क्या कुछ लाइफ में हमें कितने लोग मिलेंगे, कितने लोग जाएंगे। पहले साल तो बहुत ज़्यादा दोस्त है, पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिला, यहाँ का रहना सहना, खाना पीना सीखा, लोग मिले नए नए कंट्रीज़ के, नए नए नेचर्स के, उनको जाना, उनसे अच्छी सलाम दुआ बनाई, उनसे रिलेशन बनाया। तो बताता चलूँ कि मेरी डिग्री के 7 सेमेस्टर थे। पहला सेमेस्टर तो यूनिवर्सिटी का ऐसे गुजरा कि हमें चीज़ें समझने में लग गया, यहाँ का लाइफस्टाइल समझने में लग गया, दोस्त बनाने में लग गया। और स्पेशली जब आप किसी एक छोटे से शहर गुजरात पाकिस्तान से निकल के एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है और आपकी क्लास में 66 बच्चे जो हैं, हर बच्चा डिफरेंट नेशनैलिटी का है, तो आपको पता ही है कि ना चाहते हुए भी कॉम्पिटिशन होता है। तो ऐसे था हमारे साथ कि एक छोटे से शहर का लड़का गुजरात से बिलोंग करता है, जब वो इतने बड़े कंट्री में आया और सबसे बड़ी बात इतने बड़े टूरिस्ट शहर में आया, बुडापेस्ट जो हंगरी का फेमस है, इतने बड़े शहर में आया तो इतने सारे लोग देख के ऑफ कोर्स मैं घबरा गया। सीधी सी बात है, समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी कैसी जाएगी, आगे दिन जो है आने वाले कैसे कटेंगे। लेकिन यह है कि बीइंग अ मुस्लिम ये अपना अकीदा था, अपना ईमान था कि अगर अल्लाह ताला ने हमारे पे परेशानियां डाली हैं तो वही हमें जो है इस परेशानियों को फेस करने की पावर देगा। तो ऐसा ही हुआ, किसी भी चीज़ से हार नहीं मानी, चीज़ों को फेस किया, अच्छे दोस्त बनाए, बुरे दोस्त भी बने, टाइम के साथ सारी चीज़ें सीखी। पहले सेमेस्टर के एंड पे मैंने सोचा कि चलो यार अब यूरोप में आए हैं, पाकिस्तान से निकल लिया, पाकिस्तान की कहानी पाकिस्तान तक थी, तो अब पाकिस्तानी मेंटालिटी को, पाकिस्तानी सोच को वहीं छोड़ते हैं। जो मतलब शिकायतें करना, लोगों के बारे में सोचना कि कोई कैसे खा रहा है, क्या खा रहा है, क्यों खुश है, इसको वहीं छोड़ते हैं पाकिस्तान के साथ। अभी नया कंट्री है, नई लाइफस्टाइल शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं रिस्पॉन्सिबल बनने की। तो आपको पता है हमारा बिलीव है कि जब आप कोशिश करते हो अल्लाह ताला आपकी कोशिश, आपकी एफर्ट्स का सिला देता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक छोटे से शहर से निकला हुआ लड़का इतने बड़े कंट्री में पहुंच गया। तो मैंने सोचा कि चलो अब चीज़ें और लाइफ दोनों चेंज करते हैं, अपनी लाइफ में ग्रूमिंग लाते हैं, अपने आप को कुछ बनाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग अपने आप से लॉयल नहीं हो ना तो कोई दूसरा बंदा आपसे लॉयल नहीं बन सकता। और वाकई जब आप छोटे शहर से आते हो तो ऑफकोर्स मेहनती होना आप पे फर्ज हो जाता है। तो पेरेंट्स ने बोला कि अब आपकी नई लाइफ है, आपका नया कंट्री है, तो कोशिश करो कि जो भी करो अपनी लाइफ पे इन्वेस्ट करो ताकि कल को आप एक अच्छा इंसान बनने के साथ साथ एक कामयाब इंसान भी बनो। तो ये हुआ कि पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ। पहले सेमेस्टर के एंड पे मुझे याद है समर वेकेशन थी, तो हम लोग सारे जो है इन्जॉय कर रहे थे। मैंने अपनी CV बनाई, रेज्यूमे सेट की, कंपनीज में जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दी। टोटली ब्लैंक था, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था बात करने का। इवन पाकिस्तान में डे टू डे अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स इंग्लिश तो हम यूज़ नहीं करते। बात यह था कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा था, तो वो कभी इशू नहीं बना। अच्छे लोगों से बैठा, उनसे इंस्पिरेशन ली, उनसे सीखा कि बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव की। 1 महीना मैंने जो है ना अपना जो है स्केड्यूल बनाया। मज़े की बात बताते चलूँ कि यार मैं थोड़ा अपनी लाइफ को लेकर बड़ा स्केड्यूलाइज पर्सन हूँ, और ये जो मेरे में नेचर आई है मेरे वालदैन की वजह से आई है, मेरे पेरेंट्स की वजह से आई है। क्योंकि मेरे जो बाबा थे ना वो बड़े स्केड्यूलाइज पर्सन थे। वो हमेशा एक्चुअली पाकिस्तान में किसी के भी पेरेंट्स हैं वो स्केड्यूलाइज होते ही हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे कम्युनिटी, हमारे पाकिस्तान के लोग वो हमेशा जब भी रात को बैठे होते हैं तो वो कल की सोचते हैं कि कल क्या करेंगे, कल के क्या प्लान्स हैं। अगर आपके पेरेंट्स मजदूरी करते हैं या कोई भी जॉब करते हैं तो हमेशा बिज़नेस के बारे में ऑलरेडी प्लान करते हैं कि कल हमारा ये प्लान होगा, हम इस चीज़ पे काम करेंगे या ये चीज़ बेचेंगे। तो ये चीज़ मेरे में जो आई वो अपने बाबा की वजह से आई। थैंक्स टू माय फादर, थैंक्स टू अल्लाह कि जिसने मुझे चीज़ें पिक करने की हिम्मत दी। तो आज मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छे मुकाम पे हूँ। थैंक यू टू एवरीवन हु सपोर्टेड मी। सो बैक टू द पॉइंट, मैंने लिटरली 1 महीने का स्केड्यूल बनाया जिसमें मैंने तहैया किया कि आइंदा के बाद हर रात सोने से पहले जो है मैंने आलमोस्ट 5 से 10 कंपनीज़ में अप्लाई करना है और वही जॉब्स में अप्लाई करना है जो मैंने आगे कंटिन्यू करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं IT पढ़ा था, बुडापेस्ट की यूनिवर्सिटी जो सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, सबसे हार्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, अगर किसी को पता हो तो इसका नाम है बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, इसके एब्रीवेशन है BME, वहाँ से पढ़ी है। तो मैंने सोचा कि मैं IT पढ़ूँ तो ऑफकोर्स मैं IT की जॉब्स में ही अप्लाई करूँगा, इसी को आगे लेके चलते हैं, यही मेरा करियर है। पहला सेमेस्टर खत्म हुआ, कुछ चीजें आईटी की सीखी, कुछ चीजें अपने आप से सीखी। YouTube इज द बेस्ट वे। मैं ये समझता हूँ कि YouTube एक ऐसा जरिया है, जैसे मैं आप लोगों से बात करूँ, आप लोगों को हंगरी की लाइफस्टाइल के बारे में अभी पूरे व्लॉग में बताऊंगा। आप YouTube से ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप अनपढ़ हो, कसम खुदा की, मैं आज आपको ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट कह रहा हूँ कि आपको अगर कोडिंग का भी कुछ नहीं आता, आप जीरो से ना आप हीरो बन सकते हो। क्योंकि इतने सारे अच्छे टीचर्स, उनकी वीडियोस, जैसे वो पढ़ाते हैं, जैसे वो बताते हैं, 50% मैंने यूनिवर्सिटी से सीखा है, 50% जो है मैं अपनी डे टू डे लाइफ में जो काम करता हूँ वो मैंने यूट्यूब से सीखा है, कोर्सेज से सीखा है। यूट्यूब पे कोर्सेज लो, कोड क्लाउड है उस पर कोर्सेज लो, इतने सारी ये एप्लीकेशन है, इतने पोर्टल्स हैं, आप इन पर कोर्सेज लो, खुद से पढ़ो, सर्टिफिकेशन लो और इनमें स्किल हासिल करो। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि राजा भाई आप पार्क में खड़े हो, वहाँ पे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसके पीछे भी कहानी है। कहानी यह है कि मैं यार अपनी नेशनल परमानेंट रेजिडेंसी इन हंगरी, उसके लिए आज अपील करने आया था। तो मेरा नंबर जो है वो 233 है, अभी 200 नंबर चल रहा था, तो मैंने कहा मेरा टाइम आते थे काफ़ी टाइम लगेगा। जो हंगरी का इमिग्रेशन ऑफिस है ना, इसका भी पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं ना वैसे ही हाल है, इतना स्लो चलता है। तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरा जो नंबर है 2-2.5 घंटे बाद आएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इस टाइम को वेस्ट ना किया जाए, अपनी ऑडियंस से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेटिव बात शेयर की जाए, इनको कुछ बताया जाए, इनको कुछ सिखाया जाए जो हमें आता है, तो उसी की कोशिश हम कर रहे हैं। जब मैंने स्केड्यूल बनाया लिटरली एक महीने का कि हर रात सोने से पहले मुझे 5 से 10 कंपनीज़ में जॉब अप्लाई करनी है, तो मैंने एट द सेम टाइम जो है कुछ चीज़ें यूनिवर्सिटी से सीख ली थी, जो कि मेरी डिग्री थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। एक सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर गुजरा था, तो आईटी मतलब बेसिक्स मैंने सीख ली थी और बाकी साथ साथ मैं यूट्यूब को फॉलो कर रहा था, यूट्यूब पे कोर्सेज बाय किए, वहाँ से चीज़ें सीखी। और फिर हम जो इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि मैंने सोचा कि इंटरव्यू क्रैक करना इज़ नॉट अ ह्यूज थिंग फॉर मी, इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा और इंशाल्लाह जॉब भी हो जाएगी। तो फिर क्या, जब मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो ऑफकोर्स रिजेक्शन पर रिजेक्शन आ रही थी, यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती, अगर वो आसानी से मिल भी जाती है तो आपको उस चीज़ की कदर नहीं होती। तो शायद अल्लाह ताला ने चीज़ें सिखानी थी, अल्लाह ताला ने हमारी पर्सनालिटी में ग्रूमिंग लानी थी। वो शुरू में मुझे वो सब कुछ नहीं नवाजना चाहता था, जो अगर मुझे मिल जाती तो मैं एफर्ट करना छोड़ देता और शायद मैं वो सब कुछ ना सीखता जो मैंने रिजेक्शंस के बाद चीज़ें सीखी। जब मैंने रोज़ 5 से 10 कंपनीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दिया तो ऑफकोर्स मुझे बिलीव था कि कोई एक तो कंपनी यस बोलेगी, कोई एक तो कंपनी हमें मौका देगी। ऑफकोर्स इतना कुछ तो नहीं आता, लेकिन जब तक आप कंपनी के अंदर पाँव नहीं रखोगे, कंपनी से फेमिलियर नहीं होगे, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते। ऑल यू कैन डू बाय योरसेल्फ इज़ लाइक, आप पर्सनल लर्निंग कर सकते हो, लेकिन जो है आप कंपनी के इन्वायरमेंट से, लोगों के बिहेवियर से, अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उनको भी पॉलिश नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हुआ। मुझे याद है आज भी वो 12 अगस्त 2019 वो टाइम था, 12 या 1 बज रहा था। तो मुझे अचानक ना ईमेल आई कि हमें आपकी सीवी रिसीव हुई है और आपने फलां फलां जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो काइंडली आप हमें बता दें अपनी अवेलेबिलिटी, हमने आपके साथ इंटरव्यू करना है। फिर जब वो मैंने ईमेल रिसीव की तो परेशान भी हुआ, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इंटरव्यू को क्रैक कैसे करूँगा, पता नहीं वो क्या सवाल पूछेंगे। और ऑफ कोर्स दूसरा एक लैंग्वेज बैरियर, के मतलब उर्दू स्पीकिंग बंदा जब फॉरेन कंट्री में आता है तो आपको पता है कि आपको हर चीज़ लाइक ऑफ कोर्स लाइक इट्स नॉट माय नेटिव लैंग्वेज, जब आपको कोई और लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती तो जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, बट स्टिल दिल में डर रहता है कि पता नहीं कैसा इंटरव्यू जाएगा। तो खैर मैंने हालात से भागना नहीं सीखा, हमारे पेरेंट्स हमेशा यही सिखाते हैं, ऑफ कोर्स आप लोगों के भी पेरेंट्स यही कहते होंगे आपको कि हालात को फेस करना सीखो, ना कि हालात से भागना। तो वही मैंने किया। तो मैंने अल्लाह ताला पे यकीन रखा, जिस पोजीशन के लिए उन्होंने मुझे बोला था कि आपका इंटरव्यू है, तो मैंने उसके 2-3 कोर्सेज लिए और जो है मैंने कहा कि चलो अब देखा जाएगा, जो हुआ वो इंटरव्यू वाले दिन देखा जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। मुझे ना हमारे लोगों से एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग ना हाँ लेना तो हर चीज़ में बड़ा एक्सेप्ट करते हैं, कि जब कोई बंदा हमें हाँ कहता है, फॉर एग्जांपल लड़की की बात कर लेते हैं, जब आपको लड़की हाँ कहती है तो ऑफ कोर्स शादी के लिए या आपका पार्टनर बनने के लिए तो हम लोग खुश होते हैं, बट यही लड़की जब आपको ना बोलती है कि नो यू आर नॉट माई टाइप और आई डोंट सी अस टू बी टुगेदर, तो हम लोग पागल हो जाते हैं कि यार ये ऐसी लड़की है, इसको उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट वाई, कब तक हम लोग इस मेंटालिटी के साथ जीते रहेंगे। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि यार अगर आपको हाँ लेने से खुशी होती है तो यार मैं समझता हूँ कि ना भी लो, क्योंकि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ सीखी है बिना गिरे या बिना कुछ सबक सीखे तो वो चीज़ लंबी देर तक रहती नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहा करते थे। सो अल्लाह अल्लाह करके मैंने आपको बताया कि कोर्सेज़ लिए, तैयारी की, अपनी तरफ से फुल एफर्ट 100% देने की कोशिश की। और जब 12 तारीख को मुझे ईमेल आई, 18 तारीख को मेरा इंटरव्यू सेट हुआ। इंटरव्यू देने के लिए जो मेरा पहला मैनेजर था हंगरी का, मैं आपको बताता हूँ आगे व्लॉग में, उसने हमें बुलाया जी कि आप एक कॉफ़ी शॉप में आ जाओ, कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, वहाँ बैठ के इंटरव्यू करते हैं और देखेंगे कि आप सूटेबल हो इस रोल के लिए या नहीं। और मैं परेशान हो गया कि इंटरव्यू हो रहा है वो भी कॉफ़ी शॉप में। दिस इज़ लाइक अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। तो भाईजान मुझे आज भी याद है कि फिर जब हम 18 अगस्त को, वो कॉफ़ी शॉप का नाम भी मुझे याद है, उसका नाम था मैड कैफ़े शॉप। मैं खुद इतना हैरान हो गया कि नाम भी मैड है, तो कहीं आज हम ना मैड हो जाएं, फीरियस ना हो जाएं, कहीं आज हमें नो ना मिल जाए। क्योंकि उस टाइम पे मेरी भी मेंटालिटी वैसी थी जैसे मैंने आपको बताया पीछे व्लॉग में, कि मैं भी नो लेना एक्सेप्ट नहीं करता था। तो थोड़ा डर भी था, प्रेशर भी था, लैंग्वेज बैरियर भी था, और समझ नहीं आ रहा था इतनी बड़ी कंपनी, वो भी IBM, उसमें जाके जो है मेरा इंटरव्यू होगा। तो आई वॉज़ रियली रियली स्केयर्ड। तो मज़े की बात बताता चलूँ कि जैसा कि मैं पाकिस्तान से आता हूँ तो हमारे वहाँ पे थोड़ा ना फॉर्मल कल्चर होता है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो या लड़की का रिश्ता लेने जाते हो तो आप बड़ा बन ठन के जाते हो, सूटेड बूटेड होके जाते हो कि यार इंटरव्यू है, क्रैक करना है, अगले बंदों पे अच्छा इंप्रेशन डालना है। बट यूरोप में बिल्कुल ऐसा नहीं है। नो वन गिव अ शिट अबाउट व्हाट यू आर वेयरिंग। वो चीज़ मैटर करती है कि आप मुंह से क्या बोल रहे हो, क्या बक रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी आपके बोलने से, आपके होने से होती है, ना कि आपने क्या पहना हुआ है उससे। सो मैड कैफ़े में पहुंचे, अल्लाह का नाम लेते लेते, फिर जब मैं कॉफ़ी शॉप के अंदर गया, वहां बैठा, अपने मैनेजर को मैसेज किया कि आई एम हियर और जब आप आ जाएँ तो फिर इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो लिटरली यार वो बंदा मेरे से ऑलरेडी 15 मिनट पहले पहुँचा हुआ था और वो शॉर्ट्स पहन के बैठा था मेरा मैनेजर। उसने गर्मियाँ चल रही थी, टी शर्ट पहनी हुई थी बिल्कुल और शॉर्ट्स पहनी हुई थी, और मैं फुल स्लीव कॉलर वाली शर्ट, नीचे पैंट, नीचे सूटी बूटी होके गया था और फुल पसीने ऐसे चोर है। क्योंकि हमारा कल्चर ये है ना, हमारा कल्चर ऐसे दिखाता है, ऐसा बताता है कि नहीं यार आपने 100% देना है। क्योंकि हमारे कल्चर में लोग पहले आपके कपड़ों से जज करते हैं, पहले आपके दिखने से जज करते हैं, फिर आपकी कैपेबिलिटीज़, फिर आपकी स्किल्स को जो है एक्सेप्ट करते हैं। पहली तो बात है उस बंदे का शॉर्ट्स देख के, उस बंदे का कैजुअल ड्रेस देख के मुझे तो लगा नहीं ये बंदा मैनेजर है। मैंने उसको हल्के में ले लिया, मैंने कहा यार पता नहीं होगा कोई उन्होंने फ्रंट डेस्क पे रखा हुआ बंदा जो मेरा इंटरव्यू लेने आया। लेकिन भाई उस बंदे ने जब बात करना शुरू की, जब उसने मुझसे क्वेश्चनिंग करना शुरू की, तो वाकई लगा कि वो वाकई किसी टीम का लीड है, किसी टीम को रन करे। तो बात मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, तो इंट्रोडक्शन से बात शुरू हुई। उसने मुझे बोला कि व्हाट्स योर गोल, व्हाट यू वाना बी, नॉर्मल क्वेश्चन के फैमिली के बारे में बताओ। फिर उसके बाद उसने पूछा कि आईटी में कैसे आना चाहते हो, तो मैंने उसको बताया कि मैं BME से IT इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा हूँ और जो है चाहता हूँ कि इसी में मैं अपना करियर जो है सेट करूँ और एट सम पॉइंट आई वांट टू हैव माय ओन IT कंपनी। तो बड़ा इंप्रेस हुआ। फिर उसने मुझे उसके पास एक नोटबुक थी, नोटबुक निकाली, उसने मुझे बोला कि तब ना उस टाइम पे SQL का काफ़ी डिमांड थी इस कंपनी में, तो उसने मुझे बोला कि आप ऐसा करो कि आपको SQL आती है, मैंने कहा आती है। उसने मुझे एक सिनेरियो दिया, उसने बोला कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, तो मैंने पेपर पे उसका सोल्यूशन लिखना शुरू कर दिया और वो साथ देखता रहा। फिर ऐसे उसने 3-4 क्वेश्चन और पूछे। मैं अपना लैपटॉप लेके गया हुआ था, तो मैंने उसको कोडिंग के प्रोजेक्ट्स दिखाए और फिर जो है उसने कुछ और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस है और मैं अगर नहीं है तो मैं उनको सीखने के लिए रेडी हूँ या नहीं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे इंटरव्यू के दौरान, तो मैंने मौके पे चौका मारा। वो कहते हैं ना कभी कभी आपकी किस्मत भी आपका साथ दे रही होती है, वो आपका दिन होता है, तो शायद मेरा वो दिन था। मैंने इंटरव्यू के दौरान उसको अपना जो स्केड्यूल दिखाया कि मेरा अगले इस पूरे महीने का ये स्केड्यूल था कि मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था और साथ साथ पढ़ा था। मैंने खुद का बोर्ड बनाया हुआ था 12 बोर्ड कि आज कुछ ना कुछ सीखना है। तो थोड़ा इम्प्रेस हो गया होगा शायद मुझसे। मैंने जो है उसने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, वो भी मैंने उनका आंसर जो मुझे आता था मैंने वो दिया। उसने देखा बंदा ईगर है लर्न करने में, बंदा जो है कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो शायद वो अल्लाह ताला की तरफ से सीख थी। तो ये हुआ कि उसने मुझे बोला, इंटरव्यू तकरीबन 45 से 50 मिनट का चला। हमने कॉफ़ी शॉफ़ी पी, साथ में केक्स वगैरह खाए। खाने के बाद उसने बोला कि चलो जी मैं आपके इंटरव्यू का जो है रिस्पांस विदिन 1 वीक दूंगा। इन एनी केस हम आपको ईमेल सेंड करेंगे और बताएंगे कि हम आपसे प्रोसीड करें या नहीं। मैं घर गया, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, पहला इंटरव्यू था हंगरी में, इतनी वो भी इतनी बड़ी कंपनी के लिए IBM, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो भाई जी फिर वही मैं अपनी कैजुअल लाइफ में बिजी हो गया, दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना खाना समर एंजॉय कर रहा था। तो मुझे याद है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर था, मुझे अचानक कॉल आती है कि आई एम टॉकिंग टू मिस्टर इबरार। मैंने कहा येस। तो उसने मुझे बोला कि आपने IBM के लिए इंटरव्यू किया था कुछ अर्सा पहले, तो हमने अभी जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके इंटरव्यू ले लिए हैं एंड वी हैव चूजन 2 पीपल। मेरा नाम बताया, को लड़के का बताया कि हमने आप दोनों को चूज़ किया है, तो आप अभी भी इंटरेस्टेड हो हमारे साथ जॉब करने के लिए। जिस हिसाब से उसने पूछा कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हो हमारे साथ जॉब करने के लिए, मैं तो एक बार शॉक हो गया कि यार मैं हर रोज़ कंपनीज में जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैं तो इंटरेस्टेड क्या, मैं तो आज जॉब शुरू करने के लिए रेडी हूँ। मैंने कहा कि हाँ हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ और कैसे प्रोसीड करना है उसके लिए क्या स्टेप्स आगे। तो उसने बताया हम आपको ईमेल सेंड करेंगे, आपने फ़िलहाल दिन कंपनी में आना है, आपकी ओरिएंटेशन होगी, हम आपको लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, आपको बेनिफिट्स बताएंगे, आपकी सैलरी बताएंगे, आपका पैकेज बताएंगे और बहुत सारे फाइनेंशियल चीज़ें डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप हंगरी में किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी प्रोवाइड करती है, बोथ पब्लिक और प्राइवेट। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब जितने बड़े बड़े ऑपरेशन आंखें कुछ भी करवाना हो तो कंपनी आपका जो है वो पे करेगी। गाइस फिर ये हुआ कि जब मैं 3 सितंबर को वहाँ पहुँचा ऑफिस में, ऑफिस वाकई बहुत बड़ा था। कंपनी में आपको पिक्चर अटैच कर दूंगा, कंपनी की बिल्डिंग इतनी बड़ी थी और पूरी शीशे की बनी हुई थी। ये चीज़ें मैं आप लोगों से क्यों शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी सोच रहे होगे कि राजा भाई आप छोटी से छोटी डिटेल बता रहे हो। मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से कनेक्ट करो, क्योंकि कल को अगर आप पे भी ऐसा मूवमेंट आता है तो आप लोग जो है वैसे ही फील करो जैसे मैं उस टाइम पे फील कर रहा था। कंपनी बिल्कुल शीशे की बनी हुई थी, अंदर गए अल्लाह का नाम लेके फुल सूटेड बूटेड। ये वो वहाँ की कंपनी के HR से मिले, HR ने हमें बताया ये कंपनी है, इसमें इतने गेमिंग रूम्स हैं, ये वर्क एरिया है, ये प्लेइंग एरिया है। और यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं हर कंपनी में उन्होंने गेमिंग एरिया भी बनाया होता है, किड्स एरिया भी बनाया होता है, हर फ्लोर पे किचन होता है, ऑफकोर्स टॉयलेट शावर्स भी होते हैं कुछ कंपनीज में, और जिम और सोना भी होता है। उसने मुझे बताया ये जिम है, ये सोना है, ये जकूजी है, तो आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, मगर आप इसको भी इंजॉय कर सकते हो। तो भाईजान उस दिन मैं लैपटॉप उठाने के लिए गए, ज्वाइनिंग करने के लिए गए, तो वो मीटिंग जो है 2-2.5 घंटे की मीटिंग थी। मैं और एक और लड़का, उसका नाम तमाश था, हंगेरियन पहला फ्रेंड जो मेरा हंगरी में बना इन टर्म्स ऑफ वर्क। तो दोस्त बनाया, HR ने हमें इंफॉर्मेशन बताई और सबसे बड़ी बात, वो बात जिसका आप सब बेसब्री से वेट कर रहे थे, फाइनेंस, पैसों का, कि कितना पैकेज हमारा डिसाइड हुआ। 2019 में सितंबर का महीना था और हमारी पहली जॉब IBM में लगी थी। जिन लोगों को IBM का नहीं पता, आप लोग गूगल कर लेना। IBM इज़ लाइक वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी जो दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री में एग्जिस्ट करती है। और मेरे जैसा लड़का गुजरात से हंगरी, हंगरी से IBM, ऐसा सफ़र इमेजिन करना ही बहुत बड़ी बात है। तो मगर ऐसा हुआ, रियलिटी है, अल्लाह ताला ने साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया और सबसे बड़ी बात हमारे पेरेंट्स की दुआ हमारे साथ थी। वो पॉइंट जिसका आप सबको इंतज़ार था। तो जब हमारी पैसों की बात हो रही थी तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट पे देखा कि वहाँ पे हंगेरियन करेंसी में जो है मेरी अमाउंट लिखी हुई थी कि आप जो है हमारे लिए एज अ कॉन्ट्रैक्टर जॉब करोगे और आपकी पर आवर इतनी होगी और महीने के एंड पे आप जो मैक्सिमम है इतनी जो है सैलरी ले सकते हो। अगर मैं पर आवर की बात करूं तो उस टाइम मुझे जो पर आवर जो एक घंटे के हिसाब से सैलरी उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्टर रखा था। तो कॉन्ट्रैक्टर में ये होता है कि आप कंपनी के डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं होते, एक बीच में पार्टी होती है जिसके थ्रू आप कंपनी के लिए काम करते हो। सो बुडापेस्ट की मैं बात करूँ तो मेलो दयाग था, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनीज़ को बंदे प्रोवाइड करती है काम कराने के लिए, वर्कर्स देती है, बोथ ऑफिस रिलेटेड जॉब्स भी और जो लेबर जॉब है उसके लिए भी लोग प्रोवाइड करती है। तो ऐसे ही हुआ, मुझे पर आवर उस टाइम जो उन्होंने सैलरी ऑफर की वो 1750 फोरन थी, पाकिस्तानी करेंसी में अगर मैं बताऊं तो वो तब थी 1200। तो 1200 एक दिन में आप 8 घंटे काम करते हो, 12 × 8 ऑलमोस्ट 10,000 कमा लेते थे। अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो आप पर डे 10,000 PKR कमा सकते थे। 10,000 PKR का मतलब अगर मैं पूरा महीना में काम करता तो 10 × 30 ऑलमोस्ट 3 लाख, और 3 लाख बीच में वीकेंड जाते तो वीकेंड्स को निकाल के अगर मैं आपको कुछ एक राउंड फिगर बताऊं वो हंगेरियन करेंसी में बनती थी ऑलमोस्ट 2.5 लाख फोरेंट। अब एक और रूल भी होता है, अगर आप 25 साल से ऊपर हो ना, आपकी उम्र 25 साल से ऊपर है तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 25 साल से नीचे हो तो आपको थोड़ी कंसेशन होती है, आप थोड़ा लेस टैक्स पे करते हो। तब मैं 25 से नीचे था तो मेरे हाथ में आती थी 2,20,000 फोरेंट, जो पाकिस्तानी करेंसी में तब मुझे मिलती थी 1,80,000 या 90,000 PKR। तो आप ये कह लो कि मुझे कंपनी तब ऑलमोस्ट 2 लाख PKR मेरी सैलरी थी। मैं 2019 की बात करूं, 2019 फ्रॉम सितंबर टू ऑनवर्ड मैंने जब तक अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की मैं IBM के साथ काम करता रहा एज अ कॉन्ट्रैक्टर। मैंने 3 डिफरेंट पोजीशंस पे काम किया, 3 डिफरेंट रोल्स पे काम किया, जिसमें एक आता है सिस्टम एडमिन, उस पर मैंने 1 साल काम किया। दूसरा आता है ETL डेवलपर, जिस पे मैंने ऑलमोस्ट लाइक 1.5 साल काम किया। और फिर जो तीसरा आता है ना वो आता है मैंने डेवऑप इंजीनियर, तो इस पे मैंने ऑलमोस्ट लाइक 8 से 9 महीने काम किया। और हर महीने मैं पता है कितने पैसे कमाता रहा, ऑलमोस्ट 2 लाख PKR पर मंथ आई वॉज मेकिंग मनी। एक छोटे से शहर का लड़का जब इतने बड़े कंट्री में आ जाए और सबसे बड़ी बात इतनी बड़ी कंपनी में जॉब लग जाए और हर महीने वो पाकिस्तानी 2 लाख कमाता है। आप सोचो अगर पाकिस्तान में आपके नेबर्स को पता चले, आपके खानदान में पता चले, वहाँ तो दुम मच जाए। तो मेरा भी खानदान बहुत बड़ा है, मैं नहीं चाहता था कि हर बंदे को पता चले कि मैं कितने पैसे कमा लूँ, क्या करूँ अपनी लाइफ को लेके। तो इवन मैंने अपने सिबलिंग्स को भी नहीं बताया था कि मेरी जॉब लगी है, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, सिवाय मेरे उस बाप के। मेरा और मेरे वालिद साहब का रिश्ता ऐसा था जैसे 2 दोस्त, पहले दिन से ही वो दोस्त थे। मैंने अपने वालिद साहब से कभी भी कोई चीज़ छुपाई नहीं, मैं उनको हर एक चीज़ बताता था। तो ऐसे ही सीन था कि मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरे सिबलिंग्स भी वो भी मुझे पूछते थे, अच्छा आपकी जॉब लगी है। जब मैंने उनको बताया कि मेरी जॉब लगी है हंगरी में, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन था कि पैसे कितने कमा रहे हो, पैसे कितने मिलेंगे। लेकिन वाहिद वो मेरी माँ थी, मुझे आज भी वो याद है उसके वर्ड्स के। मेरी माँ ने मुझे पूछा कि जॉब को मिल रही है, वो मुश्किल तो नहीं है, वो कठिन तो नहीं है। सिवाय मेरी माँ के किसी ने मुझे पूछा नहीं कि हर बंदे का ये सवाल था पैसे कितने मिलेंगे, कौन सी कंपनी है। ऑल इन ऑल फिर हमने वहाँ पे 3 साल काम किया IBM में। हर महीने हम 2 से 2.5 लाख PKR उठाते थे और याशी करते थे। ऑफ कोर्स पैसे सेव भी किए, कभी कभी ईद शबरात पे अपने सिबलिंग्स को, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट भी देते थे, किसी की हेल्प भी कर देते थे टाइम टू टाइम। तो वो मोमेंट्स मेरी लाइफ के मेरे माइंड में ऐसे कैप्चर हैं कि अगर मैं आज भी आंखें क्लोज करता हूँ ना तो मैं उनको रिवाइज करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि वो मेरी लाइफ रियल लाइफ थी। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने बुक लिखी हो और मैं उस बुक को पढ़ रहा हूँ, ऐसे मेरी लाइफ चल रही थी। और फिर जब 2022 में मैंने अपनी IT इंजीनियरिंग में डिग्री कम्प्लीट की, और मज़े के बाद मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मैं 66 बच्चों के साथ पढ़ा हूँ। मेरी क्लास की जो स्ट्रेंथ थी, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे वो 66 थे, और हर बंदा ऑलमोस्ट डिफरेंट कंट्री से था। और मैं वो वाहिद पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ जो 2022 में वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ 2022 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की फील्ड में। तो ये सब मेरे माँ बाप की दुआ थी, ये उस अल्लाह ताला की नवाजिश थी जिसने मुझ पर करम किया, जिसने मुझे इतना बड़ा बनाया। तो तब मैं IBM के साथ काम कर रहा था, उन्होंने मुझे फुल टाइम जॉब की ऑफर कर दी। देसी माइंड है, देसी कल्चर से आए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे अपनी वर्थ पता होनी चाहिए, अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं मार्केट में उतरता हूँ, मार्केट में जॉब्स के लिए अप्लाई करता हूँ और देखते हैं कि मेरे पे क्या बोली लगती है, मुझे क्या पैकेज मिलता है। ऑफ कोर्स अपनी कंट्री, अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, किस लिए? अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, पैसे के लिए। जहाँ पे अच्छा पैसा वहाँ पे राजा भाई। तो वो ही किया मैंने, अपनी सीवी जो है दूसरी कंपनीज में डालना शुरू कर दी। अपनी सीवी पे लिखा कि 3 साल मैंने IBM में जॉब किया है, IT इंजीनियरिंग में मैंने डिग्री किया है विद दिस GPA। फिर मुझे कॉल्स आने लग पड़ी इंटरव्यूज़ के लिए। तो फिर क्या, जब CV डाली, अच्छी रैंकिंग थी, अच्छे GPA से मैंने पास किया। चलो आपको GPA भी बताता हूँ कि जिस GPA से मैं ग्रेजुएट हुआ वो था 4.27 आउट ऑफ 5। और 3 साल मैंने IBM में जॉब की ऑन 3 डिफरेंट रोल्स। और जब ऐसा बंदा मार्केट में जाता है तो ऑफकोर्स कंपनीज अप्रोच करेंगी, कंपनीज अच्छा पैकेज देंगी ताकि वो ऐसे बंदे को रिटेन कर सकें या ऐसे बंदे को अपना एम्प्लॉय बना सकें। तो फिर ये हुआ कि जैसा कि आपको बताया, मैंने आपको पहले भी बताया कि यूरोप में रहने का तभी फ़ायदा है जब आप पैसे बना रहे हो, पैसे सेव कर रहे हो और एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हो। तो मैंने जब आपको बताया कि 4 कंपनी से ऑफ़र आ गई मुझे इंक्लूडिंग IBM, तो मैंने किसी भी कंपनी को डिसाइड करने से पहले कुछ पॉइंट्स नोट किए। कौन सी कंपनी बड़ी है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, और सबसे बड़ी बात कौन सी कंपनी ज़्यादा बेनिफिट दे रही है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ माई करियर, और कौन सी कंपनी जो है हमें ज़्यादा पैसे पे करेगी ऑफकोर्स। तो ऐसे ही जब मैंने कंपनीज को एवेलुएट किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा EPAM के साथ, जो अभी मेरी करंट कंपनी है, वहां काम करूंगा और उसी लाइन में अपने करियर की ग्रोथ करूंगा। तो एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो तब आपको पर आवर के हिसाब से सैलरी नहीं मिलती, आपको तब घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है जब आप कॉन्ट्रैक्टर होते हो। जैसे मैं IBM में था, मैंने 3 साल एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम किया है। कॉन्ट्रैक्टर होने का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये होता है कि आप जितने घंटे काम करोगे आप उतने पैसे कमा सकते हो। मतलब आप पूरा हफ्ता भी काम कर सकते हो, 2 दिन भी काम कर सकते हो, 3 दिन भी काम कर सकते हो। मिनिमम 1 दिन होता है या 2 दिन होते हैं आपने काम करना होता है। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो इंटर्नशिप का फ़ायदा ये होता है कि आपको फिक्स सैलरी मिलनी होती है। आपने बुडापेस्ट में 24 घंटे शायद काम करना होता है, हफ्ते में 24 घंटे आपने कंपनी में काम करना होता है, ये आपकी इंटर्नशिप होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2022 में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। फिर जब मैंने अपनी CV डाली तो 4 कंपनीज़ की मेरे पास ऑफर थी इंक्लूडिंग IBM। सो फिर मैंने अपनी करंट कंपनी चूज़ की जो कि EPAM। और मज़े की बात है अभी मुझे 2 दिन हुए हैं EPAM में, 2 साल पूरे किए। तो मैंने इस कंपनी का क्यों चुना, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया मेरे पास 4 कंपनीज़ के ऑफर्स थे, IBM, EPAM, एक बेल्जियम से ऑफ़र थी और एक और कंपनी थी इन्फिनिट टेक्नोलॉजी, उसकी भी ऑफ़र थी। तो मैंने किसी भी कंपनी को डिसाइड करने से पहले कुछ फैक्टर्स एवेलुएट किए, उनको राइट डाउन किया कि कौन सी कंपनी सबसे बड़ी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन, इन टर्म्स ऑफ साइज़, और ऑफ कोर्स कौन सी कंपनी मुझे ज़्यादा बेनिफिट देगी, और सबसे बड़ी बात कौन सी कंपनी मुझे ज़्यादा सैलरी देगी। तो मैंने EPAM चूज़ की और इसमें जो मुझे रोल मिल रहा था वो मेरे करियर से रिलेटेड था, मेरे गोल से रिलेटेड था। सबसे बड़ी कंपनी थी, US की कंपनी है और अच्छे बेनिफिट्स मुझे दे रही थी, अच्छी सैलरी थी। तो इसी ये सारे पॉइंट्स ये कंपनी मेरा फुलफ़िल कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने करियर की शुरुआत इस कंपनी से शुरू की जाए जो US में बेस है, उसकी ब्रांचेस ऑलमोस्ट लाइक 60 to 80 कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करती हैं, और यहाँ से अपना जो है करियर शुरू किया जाए। तो चलो जी, जिस चीज़ का सबको इंतज़ार है उसकी बात करते हैं, पैसों की, कि उन्होंने मुझे शुरू में कितनी सैलरी ऑफ़र की, मेरा रोल क्या था और कौन कौन से बेनिफिट्स देने के लिए एग्री हुए। तो चलो जी, सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। मुझे मेरी कंपनी दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों हेल्थ इंश्योरेंस देती है। कोई भी बड़े से बड़ा ऑपरेशन, कोई भी सर्जरी अगर कल को आपको फ्यूचर में करवानी पड़े तो कंपनी वो कवर करेगी। दूसरा आता है SZÉP कार्ड। ये कार्ड बेसिकली फूड कार्ड कहते हैं इसको। इसमें 3 क्राइटेरिया बने होते हैं, एक है अकोमोडेशन, एक है फूड, और एक है आप गाड़ी निकलवा सकते हो रेंट पे, या स्विमिंग कर सकते हो, जिम कर सकते हो। तो आजकल इस कार्ड को उन्होंने एक ही कैटेगरी में रख दिया, वो है फूड कार्ड। तो कंपनी सैलरी के अलावा, इंश्योरेंस के अलावा आपको अलग फूड कार्ड देती है हर एम्प्लॉय को, फुल टाइम एम्प्लॉय को। तो उन्होंने मुझे SZÉP कार्ड दिया। SZÉP कार्ड के मुझे आलमोस्ट हर महीने जो है पाकिस्तानी रुपीस में मिलते हैं 20,000। अगर हंगेरियन फॉरेंट्स में बात की जाए तो 27 से 28,000 फॉरेंट बनते हैं। तो ऑल इन ऑल हर महीने SZÉP कार्ड में पैसे मिले करेंगे 20,000 मेरे खाने के लिए पाकिस्तानी करेंसी में। हेल्थ इंश्योरेंस होगी। तीसरा आ गया सैलरी। उन्होंने मुझे कितनी सैलरी शुरू में ऑफर की 2022 जुलाई में। तो रोल था मेरा डेवऑप इंजीनियर, जिसमें आप डेवलपर और ऑपरेशन दोनों पे काम करते हो। और ईपैम ने एक्चुअली, मैं हायर हुआ था ईपैम में कोविड के बाद, तो मार्केट थोड़ी लो थी, फिर भी उस टाइम के लिहाज से मुझे अच्छी सैलरी उन्होंने ऑफ़र कर दी। अगर मैं हंगेरियन फॉरेंट्स में बात करूं तो वो बनती है 6,10,000 फॉरेंट्स। पाकिस्तानी करेंसी में अगर बात करें तो वो बनती है आलमोस्ट 5 लाख PKR। तो शुरू में जब मैं 2022 में इस कंपनी को ज्वाइन किया तो मैं 5 लाख PKR हर महीने कमाता था इस कंपनी से। तो बात करने का मकसद यह है कि अगर आप किसी भी बुडापेस्ट में कंपनी को ज्वाइन करते हो, अगर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो, तो आपको शुरू में जो पैकेज मिलेगा, मैं विद ग्रॉस बात करूँगा क्योंकि विद ग्रॉस मतलब विद टैक्स, आफ्टर टैक्स आपके हाथ में आती है। यहाँ पर जो टैक्स है वो 34% है, तो मैं आपको विद ग्रॉस बताता हूँ। बाकी आप 34% निकाल लेना, तो वो जो बाकी सैलरी आएगी वो आपके हाथ में आएगी। समझ लो अगर आजकल आप हायर होते हो बुडापेस्ट में किसी भी कंपनी में, आप इजीली 7 लाख फॉरेंट मांग सकते हो। 7 लाख फॉरेंट का मतलब है पाकिस्तानी करेंसी में लेट्स जस्ट से 620 6,20,000 6,30,000 आपको PKR में मिलेगी। 6,20,000 का मतलब है, अगर मैं टैक्स निकाल के बात करूं तो आपके हाथ में जो आने वाली सैलरी है वो ऑलमोस्ट, अगर आप 25 से प्लस हो तो आपके हाथ में आएगी 4,90,000 5 लाख PKR आपको मिला करेगी सैलरी। तो बाकी वो लोग जो बुडापेस्ट आने का सोच रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि द मोर एक्सपीरियंस यू हैव, द मोर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पावर यू हैव, द मोर मनी यू गोना मेक। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि बुडापेस्ट में ऐसी कंपनीज़ हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास स्किल सेट है, आप जितने पैसे मांगोगे आपको उतनी वैल्यू दी जाएगी, उतनी सैलरी दी जाएगी। सो निगोशिएट लाजमी किया करो, अपनी वर्थ से नीचे ना जाओ, क्योंकि हर कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है। हर कंपनी जो भी पोजीशन निकालती है उसका एक बजट सेट होता है। हेल्थ इंश्योरेंस मैंने आपको गिना दी, SZÉP कार्ड यानी कि फूड कार्ड आपको बता दिया, सैलरी जो कि मैंने आपको बता दी। उसके बाद कुछ कंपनीज़ में और भी बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपकी वाइफ है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़। आप जिम का पैकेज मिलता है आपको, सोना का पैकेज मिलता है, इसी तरह स्विमिंग पूल का आपको पैकेज मिलता है, काफ़ी सारे पैकेज मिलते हैं। तो ऑल इन ऑल बुडापेस्ट में ये सैलरी का रेट जो है बेसिक बंदे के लिए चल रहा है 7 लाख 6,50,000 फॉरेन से लेके 7 लाख फॉरेन तक। अगर पाकिस्तानी करेंसी में बात करूं तो ये बनती है 5,50,000 से लेके 6 लाख PKR तक। तो वो बंदा जिसको 2 से 5 साल के तक का एक्सपीरियंस है, अच्छी स्किल सेट है, वो 1 मिलियन फॉरेन प्लस कमा सकता है। 1 मिलियन फॉरेन प्लस होने का मतलब है कि आप 1.3 1.4 मिलियन फॉरेन ले सकते हो। अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी में बात करूं 1.1 मिलियन PKR मतलब 11 लाख PKR आपको हर महीने मिल सकता है, अगर आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। और वो बंदा जिसका 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप खुद ही हिसाब लगा लो, 2-2 लाख ऐड करते जाओ और यही सैलरी की रेंज आप बढ़ाते जाओ। अभी तक मैं जो मैक्सिमम सैलरी वाले बंदे से मिला हूँ, उसकी सैलरी थी 1.8 मिलियन फॉरेंट्स, मतलब PKR में उसकी सैलरी थी 15 लाख PKR पर मंथ। तो ये है, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा कम्युनिकेशन पावर होगी, ज़्यादा स्किल्स होंगी, ज़्यादा पैसे कमाए जाएंगे। ये ना तो पाकिस्तान है, ना इंडिया, ना बांग्लादेश, जहां आपको निगोशिएशन करने पे निकाला जाएगा। अगर आप निगोशिएट करोगे वो आपकी बात सुनेंगे, अगर उनको समझ आई वो हाँ करेंगे, अगर आपको समझ आई तो आप लोग हाँ करोगे। अगर मैं अपनी बात करूं 2022 में मैंने आपको बताया कि मैं हायर हुआ था 6,10,000 फॉरेंट पे, जो पाकिस्तानी करेंसी में आलमोस्ट 5.5 लाख PKR बनते हैं। लेकिन 2 साल मैंने काम किया, 2 साल बाद हर साल यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है। 2 साल में मेरी जो इंक्रीमेंट हुई, अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं सैलरी ले रहा हूँ अपनी कंपनी से, वो सैलरी राउंड अबाउट बनती है 9 लाख हंगेरियन फोरेंट्स। 9 लाख हंगेरियन फोरेंट्स का मतलब है पाकिस्तानी करेंसी में अभी जो मैं सैलरी अपनी कंपनी से उठा रहा हूँ राउंड अबाउट 7,90,000, मतलब 8 लाख हर महीने अपनी कंपनी से उठा रहा हूँ। तो आप देख लो मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्टर होने का एक्सपीरियंस IBM में, 2 साल मुझे EPAM में हो गए, और अभी जो मैं सैलरी ले रहा हूँ EPAM से वो है 8 लाख PKR पर मंथ। और बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से हंगरी में आना चाह रहे हो, बुडापेस्ट में आना चाह रहे हो, तो कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं उन्होंने खुद ही नीचे लिखा होता है कि सैलरी रेंज बिटवीन 1.1 मिलियन से 1.5 मिलियन। कुछ जॉब्स ने ये ऑलरेडी लिखा होता है। अगर जॉब्स में नहीं लिखा होता, डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा होता, तो आप रिक्रूटर से पूछ सकते हो कि इस जॉब की, इस पोजीशन की जो सैलरी रेंज है वो कितनी है। अगर वो भी ना बताए तो आप इंटरव्यू में, जब आपका फाइनल इंटरव्यू हो रहा होता है, टेक्निकल इंटरव्यू के बाद, टेस्ट होने के बाद, इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, दे विल गोइंग टू आंसर यू विद अ रेंज कि इस पोजीशन की ये रेंज है। तो चलो जी, ये था उन लोगों के लिए जो IT या कंपनी के किसी भी जॉब के लिए हंगरी मूव करना चाह रहे हैं ऑफिस जॉब्स के लिए। तो उनकी सैलरी रेंज, उनका मैंने बताया कि वो कितनी सैलरी डिमांड कर सकते हैं, कैसे निगोशिएशन कर सकते हैं। तो बाकी आपको पता ही है बहुत सारे लोग हमेशा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका और भी दूसरे कंट्री से आते हैं, लेबर जॉब करते हैं, तो वो कितनी सैलरी कमा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो वोल्ट है, जो कि हर कंट्री में ऑलमोस्ट चलती है, फूड डिलीवरी जो एप्लीकेशन है, सर्विस है, एक वोल्ट वाला बंदा अगर मैं आपको बात करूं तो वो हर महीने कितना कमा सकता है? वो हर महीने कमा सकता है जी, डिपेंड करता है कि आप काम कितना करोगे। यहाँ पे पर डिलीवरी आपको चार्जेस मिलते हैं, आपको पैसे मिलते हैं। तो जहाँ तक मैंने अपने दोस्तों से सुना है, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस से, वो यही है कि जितना आप काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा आप कमाओगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जिन्होंने 15 दिन वोल्ट पे काम किया है और iPhone 15 Pro Max निकलवा लिया है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लो, iPhone 15 Pro Max की अभी जो कीमत पाकिस्तान में चल रही है 5 से 6 लाख चल रही होगी या 7 लाख चल रही होगी। तो अगर 15 दिन काम करने से आप iPhone 15 निकलवा सकते हो, तो आप देख लो अगर आप 30 के 30 दिन वोल्ट पे काम करते हो तो आप कितने पैसे कमा सकते हो। वो आपकी हिम्मत, आपकी जान पे डिपेंड करता है। कोई भी बंदा जो वोल्ट या किसी भी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन या बोल्ट, उबर पे काम कर रहा है, तो वो इजीली हंगेरियन करेंसी में आलमोस्ट 6 से 7 लाख फोरेंट कमा सकता है। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतने पैसे आप कमाओगे। और अगर मैं PKR की बात करूँ तो आप ये समझ लो कि आप हर महीने अगर ईजी होके काम करो वोल्ट पे, तो आप हर महीने 500,000 से ऊपर कमा सकते हो PKR में। मतलब 5 लाख PKR से ऊपर अगर आप वोल्ट पे काम करते हो, रिलैक्स होके, हफ्ता इतवार छुट्टी करके, तो आप 5 लाख PKR से ज़्यादा हर महीने पैसे कमा सकते हो। पे हंगरी में, बुडापेस्ट में वोल्ट वालों ने एक और तरीका अडॉप्ट कर लिया है। इन लोगों ने अब बंदू को, जो इनके वोल्ट राइडर्स हैं, उनको हर हफ्ते सैलरी देना शुरू कर दिया है। तो मतलब ये है कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो हफ्ते में 40 के 40 घंटे काम करते हैं और वो कमाते हैं 2.5 से 3 लाख PKR और मे भी ज़्यादा। तो बात करने का मकसद है, अगर आप टेस्को में काम कर रहे हो, अगर आप वोल्ट पे काम कर रहे हो, तो आप इजीली 500,000 से ऊपर, 5 लाख से PKR से ऊपर इजीली कमा सकते हो। तो ये थी हमारी वोल्ट की, टेस्को की सैलरी। तो चलो जी, अभी चलते हैं, हमने सैलरीज की बात कर ली। बाकी फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर दे सकूँ। आपको अगर मुझे नहीं पता तो उसको रिसर्च करके आपको रिप्लाई कर सकूँ। एनीवे, कुछ दिन बाद हम अपने दोस्तों के साथ अपना इंटरव्यू लेके आएंगे, अपना व्लॉग लेके आएंगे जो वोल्ट पे काम करते हैं। उनसे पूछेंगे कि वो कितने पैसे कमाते हैं, क्या करते हैं, कितना काम करना पड़ता है, हफ्ते में कितना काम करें कि बंदा इजीली 1 लाख 1.5 2 लाख कमा सकता है। तो चलो, वेट करिएगा मेरे उस व्लॉग का। अभी चलो चलते हैं उस एक्सपेंडिचर्स की तरफ। यहाँ पे अगर आप कुछ शॉपिंग सेंटर में जॉब कर रहे हो किसी टेस्को में जॉब कर रहे हो, किसी ग्रॉसरी स्टोर में जॉब कर रहे हो, तो आपको घंटों के हिसाब से सैलरी मिलती है। और आजकल जो पर आवर सैलरी मिल रही है बुडापेस्ट में हंगेरियन फोरेंट्स में, वो मिलती है 1500 से 2000 हंगेरियन फोरेंट्स पर आवर। और ये अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी में बात करूं तो ये बनते हैं पर घंटा आपको मिलेंगे 1600 से 1800 PKR। तो मतलब आप एक घंटे में 1600 से 1800 कमाएंगे। 8 घंटे आप काम करते हैं, 12 घंटे आप काम करते हैं, अप टू यू, अप टू द कॉन्ट्रैक्ट। आप उस हिसाब से 1800 मल्टीप्लाई बाई 8 पर डे एंड देन फिर आप मल्टीप्लाई बाई 30 कर लो, तो आपको पता चलेगा कि आप एक महीने में किसी लेबर जॉब से कितने पैसे कमा सकते हो। ये थी हमारी सैलरी की कहानी। अभी चलते हैं हमने सेकंड पार्ट पे, जो है एक्सपेंडिचर्स, लाइफस्टाइल। हंगरी में लाइफस्टाइल कैसा है, हंगरी में खर्चे कितने हैं, हंगरी में हालांकि सेविंग होती है या नहीं होती। मैं पिछले 6.5 साल से हंगरी बुडापेस्ट में रह रहा हूँ, तो चलो जी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। मैंने अपनी सैलरी डिक्लेयर की, हर चीज़ आपसे शेयर की, ताकि आप लोग अगर हंगरी आने का सोच रहे हो, अगर आप कोई ऑफ़र मिलती है तो आप इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रख के अपनी सैलरी निगोशिएट करना और स्टेप लेना अपने मुल्क को छोड़ के हंगरी मूव होने का। एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ी पहले बात करते हैं घर की हाउसिंग की। बुडापेस्ट में कोविड से पहले 2018 से लेके 2020 तक की मैं बात करूं तो घर बड़े ठीक थे, नॉर्मल रेट पे थे। आपको 1 लाख 1.5 लाख में एक छोटा स्टूडियो एक बंदे के लिए या कपल के लिए इजीली मिल सकता था। लेकिन आजकल कोविड के बाद महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई भी स्टूडियो अगर आप लेने जाओ तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी स्टूडियो 2 लाख फॉरेन से नीचे मिलेगा। 2 लाख फॉरेन का मतलब है, अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी में बात करूं तो ये बन गए ऑलमोस्ट 1.5 लाख PKR। तो मतलब अगर आप हंगरी में बुडापेस्ट में कैपिटल में एक अच्छी जगह पे रह रहे हो, एक अच्छी लोकेशन पे रह रहे हो, तो आपको अगर कोई स्मॉल स्टूडियो लेना है तो कम से कम आपको पाकिस्तानी करेंसी में 1,80,000 PKR पे करने पड़ेंगे। 1,80,000 PKR का मतलब आपको 2 से 2.25 लाख हंगेरियन फॉरेंट जो है हर महीने का रेंट पे करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हंगरी में जिस फ्लैट में रह रहा हूं, मैं अभी शेयरिंग में रह रहा हूं, मैं जिस घर में रह रहा हूं वो घर बहुत बड़ा है। मेरा अपना रूम जो है वो ऑलमोस्ट 28 to 30 स्क्वायर मीटर है। 28 to 30 स्क्वायर मीटर का मतलब है कि अगर वो आप पेड़ देख रहे हो, ट्री देख रहे हो, उस ट्री से लेके जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक का ये मेरा रूम है। इतना ही आप लेंथ में कह लो, अगर मैं विड्थ में बात करूँ तो यही पेड़ कर लो, यहाँ से लेके ये जो आपको 2 पिलर दिख रहे हैं, इन पिलर तक मेरे रूम का साइज़ है। 28 टू 30 स्क्वायर मीटर मेरा रूम है। और मैं जो हंगेरियन करेंसी में इसका रेंट पे कर रहा हूँ वो है 1,53,000 फॉरेन, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में बनते हैं 1,30,000 से 40,000 PKR। तो मतलब आप ये समझ लो, नेट डाल के, घर का रेंट डाल के, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस, सब कुछ डाल के जो मैं देता हूँ ऑलमोस्ट 1.5 लाख PKR मैं हर महीने अपने घर का रेंट देता हूँ। नंबर 2 पे आती है ग्रॉसरी, खाना पीना। उसकी क्या रेंज है, उसकी क्या प्राइस है। अगर तो आप खाना बाहर से खाते हैं, मैं तो आपको बोलूँगा आपके लग गए, ये था L, तो फिर आपके लगे L। अगर तो आप खाना बनाना आता है, आप घर में खाना बनाते हो, घर से ही खाना खाओगे, तो फिर मैं समझूंगा कि यू कैन सेव सम शिट लोड ऑफ मनी। तो बात इतनी है कि अगर आप डेली एक नॉर्मल गिरोश होता है, उसको मतलब पिता रोटी के अंदर चिकन डाल के, सैलेड डाल के, एक नॉर्मल जो गिरोश है उसकी जो प्राइस आजकल चल रही है 1,800 से 2,000 फॉरेन, यानी कि 1,400 से 1,500 PKR आपको एक जो है गिरोश का पे करना पड़ता है। अगर आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो आप एक मील की जो वैल्यू पे करोगे PKR में, वो आप कम से कम 3 से 4 हज़ार एक टाइम के खाने की पे करोगे, जिसमें एक चिकन कोरमा कर लो, 2 नान कर लो और एक ड्रिंक कर लो। तो आपको 3 से 4 हज़ार PKR एक मील का पे करना पड़ेगा, यानी कि हंगेरियन करेंसी में 5 से 6 हज़ार फॉरेन। अगर आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप वैसे देख लो, नॉर्मल से रेस्टोरेंट में आप 6 से 7 हज़ार फॉरेन पे करते हो, लेकिन अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में 10 से 15 हज़ार फॉरेन आप पे करते हो। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी कभी बाहर से भी खाता हूँ, कभी कभी खुद भी घर बनाता हूँ। तो मेरा ग्रॉसरी का मेनली खर्चा जो आता है, मैं हर 2 हफ्ते की ग्रॉसरी बाय करता हूँ। एक महीने में 4 हफ्ते हो गए, तो हर 2 हफ्ते की ग्रॉसरी में जब भी 2 हफ्ते बाद ग्रॉसरी बाय करने जाता हूँ, जिसमें अंडे हो गया, दूध हो गया, चिकन हो गया, निमको हो गया, स्नैक्स हो गया, चिप्स हो गया, ऑयल, टमाटर, प्याज, एवरीथिंग। उसकी कास्ट जो मुझे आती है वो आती है ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार फॉरेंट। पाकिस्तानी करेंसी में आप ये समझ लो कि मैं हर 2 हफ्ते बाद 20 से 22 हज़ार PKR की शॉपिंग करता हूँ, ग्रॉसरी की, मतलब जो घर का सामान होता है। लेकिन ये क्योंकि मैं घर में खाना कम बनाता हूँ, बाहर से खाता हूँ, तो अभी ये 2 हफ्ते की लागत है, कास्ट है। अगर मैं तीनों टाइम खाना घर में बनाना शुरू कर दूँ, ग्रॉसरी बाय करना शुरू कर दूँ, तो आप ये समझ लो, ये सिंगल पर्सन की मैं बात करूँ, जो मैं अभी मैं सिंगल पर्सन रह रहा हूँ, तो मतलब मैं हर 2 हफ्ते बाद ग्रॉसरी बाय करता हूँ। तो मैं पाकिस्तानी करेंसी में आलमोस्ट 20 से 30 हज़ार की ग्रॉसरी बाय करता हूँ। अगर आप डबल हो, अगर आप फैमिली आपके साथ है, तो आप उस हिसाब से देखते जाओ। सिंगल बंदे की 20 हज़ार है, कपल हो तो 40 हज़ार कर लो 2 हफ्ते की। एक महीने की जो मेरी ग्रॉसरी की कास्ट आती है वो आती है 60 से 70 हज़ार ग्रॉसरी। एक सिंगल बंदे की कास्ट जो आती है वो आती है 70 से 80 हज़ार फॉरेंट। यानी कि अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी की बात करूं, तो मेरी जो पाकिस्तानी करेंसी है उसमें मेरा एक महीने का खर्चा आता है खाने पीने का, सिर्फ वो आता है 50 से 60 हज़ार PKR। ये सिर्फ ग्रॉसरी की बात करूं। जो बाहर से खाना वो अलग है। सो बाहर से खाना खाने का मतलब है उसका भी आप जोड़ लो 50 हज़ार। तो ऑल टुगेदर मेरा जो एक महीने का खर्चा आता है खाने पीने का, तो आपका इजीली एक बंदे का खर्चा आ जाएगा 1,20,000 फॉरेंट से लेके 1.5 लाख फॉरेंट तक। अगर PKR में बात करूं, तो एक बंदे का खर्चा एक महीने का PKR में 1 लाख PKR इजीली लग जाएगा। सो 2 लाख अकोमोडेशन का, 1 लाख खाने पीने का, और सबसे मेजर बाकी अगर आप कोई जिम वगैरह करते हो, कोई एक्टिविटी करते हो, उसके अलग खर्चे हैं। मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मे बी आने वाले व्लॉग में हम एक व्लॉग ऐसा भी लेके आएंगे जिसमें हम आपको यहाँ के जो ग्रॉसरी स्टोर हैं, मतलब LD, लीडल, स्पार, कोई भी, वहाँ पे लेके जाएंगे। आपको लाइव कैमरे में उनके प्राइसेस दिखाएंगे, एग्स, मीट, शुगर, टमाटर, प्याज, आलू, एवरीथिंग लाइक उनकी प्राइसेस आपसे डिस्कस करेंगे। साथ में आपको क्वालिटी, क्वान्टिटी और यहाँ पे कैसे कितने शानदार, कितने साफ ग्रॉसरी स्टोर बनते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो घबराना नहीं। तो ये थी हमारी मेनली एक्सपेंडिचर्स। तो ये है मेनली हमारा हंगरी में जो रहने सहने का खर्चा। मैंने अकोमोडेशन का बता दिया, ग्रॉसरी का बता दिया, खाने पीने का बता दिया, आपको सैलरी बता दी, कंपनियाँ क्या क्या बेनिफिट्स आपको देती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ज़ेप कार्ड हो गया, सैलरी हो गया, अदर बेनिफिट्स में आपको जिम, सोना, जकूजी, स्विमिंग पूल। अक्सर कंपनियां आपको गाड़ी भी देती हैं, लेकिन वो ये होता है कि अगर आप हायर स्टेटस पे जाओ तो आपको हायर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एक और मैं चीज़ आपको बताता चलूँ, यहाँ पे कंपनियां आपको लैपटॉप्स वगैरह खुद देती हैं, लैपटॉप के साथ माउस, कीबोर्ड, डॉक स्टेशन, मोनीटर, कुछ भी आपको चाहिए होगा वो कंपनियाँ आपको प्रोवाइड करेंगी। ना कि हमारे पाकिस्तान की तरह कोई भी कंपनी में आप काम करने जाओ तो वो कहते हैं कि लैपटॉप आपका अपना होना चाहिए, मोनीटर आपका अपना होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कंपनी आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करेगी जो आपको काम करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये थी हमारी स्टोरी हंगरी में, लाइफस्टाइल हंगरी में, हमारा एक्सपेंस। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपके रह गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आप हंगरी आने का सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, बुडापेस्ट इज़ रियली नाइस प्लेस। आप इससे इजीली फेल इन लव कर जाओगे। ये बहुत खूबसूरत जगह है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये है कि अगर आपकी सैलरी 1 मिलियन से ऊपर है, आप सिंगल हो, तो मैं आपको कहता हूँ आप बिना आंखें झपके वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अगर आपकी सैलरी 1 मिलियन से ऊपर है आप हंगरी में खुश रहोगे। 1 मिलियन का मतलब है कि आप PKR में 9 लाख PKR से 10 लाख PKR तक कमाओगे। यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सिंगल हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से हंगरी मूव होने का सोच रहे हो, आपको जॉब ऑफर मिल गई है, तो कोशिश करो आपका जो सैलरी पैकेज है वो 1 मिलियन से ऊपर हो। 1 मिलियन से ऊपर होगा। किंग लाइफ एंजॉय करोगे हंगरी में। अगर मिनिमम आपको जो मैं बता दूं, आप कोशिश करना कि 7 लाख फॉरेन से नीचे आपकी सैलरी नहीं जानी चाहिए। 7 लाख फॉरेन का मतलब है 5.5 लाख PKR से नीचे आपकी सैलरी ग्रॉस विद टैक्स नहीं जानी चाहिए, वरना आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप कपल हो तो मैं कपल को यही बोलूँगा कि आप कोशिश करो कि आपकी सैलरी हंगेरियन फॉरेंट्स में 1.3 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए। जितनी ऊपर होगी वो उतना ही मीठा होगा आप लोगों के लिए। तो 1.3 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए ताकि आप कल को जब हंगरी आओ, आपका रहना सहना खाना पीना सब इजीली हो जाए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाना जो कंपनीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, जो अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर आना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। उनको एक लाइफस्टाइल का पता चलेगा, हंगरी में एक्सपेंस क्या है वो पता चलेगा, सैलरी रेंज क्या है वो पता चलेगा। सबसे बड़ी बात, अगर आप लेबर जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो उससे आप कितने पैसे कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, उसका भी पता चलेगा। बाकी एक और छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डालना भूल गया कि मैंने आपको सैलरी बता दी, एक्सपेंस बता दिए, हंगरी में रहने सहने का तरीका बता दिया, ग्रॉसरी की रेंज है वो भी बता दी, लेकिन ये तो बताया नहीं कि जॉब अगर आप ढूंढना चाह रहे हो बुडापेस्ट में, हंगरी में, वो आपको कैसे मिल सकती है। यार सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी बंदा आपकी प्लेट में रख के आपको तो जॉब देगा नहीं कि ये लो यार चले जाओ हंगरी वहाँ पर डेवलप इंजीनियर की जॉब करो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप खुद से हीला नहीं करोगे, खुद से एफर्ट नहीं डालोगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? लिंक्डइन खोलो। जितने भी रिक्रूटर्स हैं, किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हो, फिल्टर वहाँ पे लगा लो उस कंट्री का। जिस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो उस कंपनी को टारगेट करो, उसके रिक्रूटर को उसकी ईमेल ढूंढ के उसको पर्सनल मैसेज करो कि ऐसे से मैंने कोई जॉब ढूंढी है, ये उसका लिंक है, ये मेरी रेज्यूमे है, मैं इस जॉब के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हूँ। कैंडिडेट क्यों? आप कुछ बुलेट पॉइंट्स बना के उसको सेंड कर दो, ये मेरा रेज्यूमे है, अगर आप समझते हो कि मैं क्वालिफाइड हूँ आप मुझे कॉन्टैक्ट बैक करो, फिर हम बात करते हैं और फिर हम आगे चीज़ें लेके प्रोसीड करेंगे। और अगर आपने कभी भी लिंक्डइन को अपने अच्छे के लिए यूज़ नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि आप पे फिर वो है, क्योंकि लिंक्डइन दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ अगर आपने ढूंढना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी किस कंट्री में है, किस कंपनी में, आप इजीली फिल्टर लगाओगे। 2 मिनट का काम है, फिल्टर चूज़ करोगे, कंपनी चूज़ करोगे, कंट्री चूज़ करोगे, लोकेशन चूज़ करोगे, सिटी चूज़ करोगे, आपको 2 मिनट में वो जॉब्स निकाल के दे देगा। तो जॉब्स अप्लाई करो किसी भी कंट्री में, आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जॉब ऑफर कोई ना कोई आ जाएगी। ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, ये मैंने कहीं पढ़ा था तो आज मैं भी अपने व्लॉग में ऐड करता हूँ कि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं होगे। मैंने भी जब मैंने अपनी शुरुआत की थी हंगरी में IBM से, तो मैंने आपको पीछे व्लॉग में बताया था, मैंने अपने स्केड्यूल में डिफ़ाइन किया था कि हर रात सोने से पहले मैं 5 से 10 कंपनीज़ में अप्लाई करूँगा। वही मैं करता रहा। फिर मेरा एक दिन जैकपॉट लग गया, मैंने IBM ज्वाइन कर ली। 3 साल वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की जॉब की, सैलरी अच्छी कमाई, पर मंथ 2 से 2.5 लाख PKR कमाता था। 3 साल जॉब करने के बाद फिर अपनी फुल टाइम जॉब जो है EPAM सिस्टम्स के साथ शुरू की, जो US की कंपनी है। हाँ, ऑलमोस्ट 80 कंट्रीज़ में इसकी ब्रांचेज हैं, तो वहाँ पे जॉब की। अभी 3-4 दिन पहले मुझे इस कंपनी में 2 साल पूरे हो गए हैं। अभी भी ऑलमोस्ट 1 मिलियन PKR सैलरी कमा रहा हूँ। अल्लाह ताला की नवाजिश है, उसकी देन है। तो वो यही कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप जो है एफर्ट नहीं करोगे, तब तक आपको जो है फ्रूट ऑफ योर एफर्ट्स वो नहीं मिलेगा। तो ख्याल रखो, उम्मीद करता हूँ कि कभी ना कभी मिलेंगे अपने बुडापेस्ट में। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सबसे इंफॉर्मेटिव बात आपको कौन सी लगी। और बाकी सपोर्ट धड़ाधड़ करो, क्योंकि राजा भाई को आपकी सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। ऑल आई नीड फ्रॉम यू इज़ सपोर्ट ब्रो। हमने कोशिश तो पूरी की, बाजू हमारा फुल थक गया, लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, हम टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, कोशिश करते हैं हर छोटी से छोटी चीज़ जो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है अपनी कंट्री को छोड़ के यहाँ आने के लिए, तो हम अपने व्लॉग में डिफ़ाइन करें। तो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, चाओ।